अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान गेट से बाहर निकल के बस स्टैंड की तरफ जाते हुए तो उसमें जगह कि हमारी ये वीडियो बस स्टैंड से शुरू होगी, ये एक हम इंट्रो कर लेते हैं। हम बस स्टैंड से देखने मिनी को जिसके अड्डे शुरू हो गए हैं। जनरल बस स्टैंड अब सुंदरगढ़ के बहावलपुर के एक बहुत मरकजी जगह पे आ चुका है और ट्रैफिक का इंतजाम रहता है। अब अड्डे को बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये सामने जनरल बस स्टैंड है। ट्रैफिक का जो अजदहाम है इससे निकलने के लिए अब ज़रूरी है ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो हो, तो अड्डे को बाहर से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये सड़क मुल्तान की तरफ जा रही है, लेफ्ट पे वालटोल सी की तरफ रोड मुड़ता है। ये जो टर्न आ रहा है हमने यहाँ से यू टर्न लेना है जनरल बस स्टैंड की तरफ, सीधे आपको मुल्तान की तरफ निकल जाएंगे। हम आपको कल मुल्तान रोड दरियाए तक का विजिट कराएंगे, ये यू टर्न। तो यहाँ से हम आपको अब लेके चलेंगे जेल रोड से होते हुए झांगी रोड की चुंगी और वहाँ से सदर पुली तक। एक नई सड़क आपको दिखानी है और कमाल बनाई है। अभी आप जनरल बस स्टैंड पे ट्रैफिक का जाम देखें। लेफ्ट साइड पे जनरल बस स्टैंड है, हर शहर के लिए यहाँ से मोटरें जाती हैं और इसी जनरल बस स्टैंड के आगे प्राइवेट स्टैंड है, फैसल मोबल का है, नियाजी का है, अली एक्सप्रेस का है, सब आपने रेमन खमजाना है, कराची, नजरपोली, कोटाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, पिशावर, डी जी खान, तौंसा, बंजौर, कोटा, तो मतलब ये जिस शहर का आप नाम लें आप यहाँ से जा सकते हैं। और एज यूजल बस स्टैंड पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मेन तो होता है यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, तो होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं राइट साइड पे, और बाकी जो लवाजमात होते हैं जनरल बस स्टैंड के वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। रोड बहुत खुला है और वन वे है, और वन वे भी खासा बड़ा रोड है, लेकिन सड़क पे ट्रैफिक की वजह से खड़े बोलते हैं और तकरीबन से लेके सड़क अब रिपेयरमेंट मांगती है। ये फैसल मोबल और बाकी प्राइवेट गाड़ियों के अड्डे, और राइट साइड पे आपको मिलेगा नियाजी बस स्टैंड। इन अड्डों पे आपको आप 2 बजे तक ट्रेन सॉरी सर्विस मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है। जी जनरल बस स्टैंड की तरफ से अब एरिया ख़त्म। राइट साइड पे अब जू शुरू हो गया है, सामने आपके स्टेडियम का चौक है और राइट साइड पे हम मुड़ेंगे और रेडियो स्टेशन भी यहीं आता है। अच्छा जी, आपके स्टेडियम सामने आपको दिख रहा होगा, राइट साइड पे जू है बहावलपुर का चिड़ियाघर, तो सत्याग्रास होंगे चिड़िया भी नहीं रहेगी। अभी हम लेफ्ट साइड पर मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारी जो बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की है, राइट साइड पे यहाँ पे स्टेडियम है और सीधे हम जा रहे हैं जेल रोड। और ये सड़क सीधी निकल जाती है डेरा पक्खा, रास्ते में मलामत बाल टाउन आएगा। अब मलामत बाल टाउन की जो पुली है झांगी वाली पुली, वहाँ से हम टर्न करेंगे कदम पुली की तरफ। तब तक आप इसके दाएँ बाएँ, ये सड़क सिंगल हुआ करती थी किसी ज़माने में, अब डबल हो चुकी है, वन वे भी डबल आराम से समोथली सफर कर सकती है। फैसल बाग मेरा पहला प्लॉट फैसल बाग में था, फैसल बाग से लेके फिर मैंने लंबा मोटर की तरफ शिफ्ट किया था। बड़ी जानते हैं इस शहर के साथ, और इसकी वो सड़कें देखी हैं जो तो लक्षण बदल गया है, क्या से क्या हो गया है बाहू को, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। आई रियली लव ब्यूटीफुल सिटी, इसे हम जेल रोड कहते हैं। लेफ्ट साइड पे अभी आपको जेल का है बड़ा गेट भी दिखेगा, जेल की चौकी भी दिखना शुरू हो गई है, जहाँ पर सिग्नल्स का इशू होता है, जैमर लगे हुए हैं, मोबाइल सिग्नल नहीं होते। अभी जेल रोड जेल शुरू हो गई है, ये सेंट्रल जेल है। सुना है शेख रशीद भी यहाँ बंद रहा है, बीबी के बारे में सुना था वो भी कभी यहाँ बंद रही है। खैर, हर पॉलिटिशियन ने जेल का मजल दूर रखा है,
जेल का, जिसको जेल में कैद कर रखा है, कई मुल्कों के ऊपर मुहित है। ऑफिशियली जितना रकबा है उसके अलावा अन ऑफिशियल जो रकबा बना हुआ है जिस पर आपको जेल कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे आप चलते चले आगे पुलिस तक, लेफ्ट साइड में सारा जेल ही जेल का रकबा बना हुआ है। ये देखिए मार्शल खूबसूरत रोड, और इस रोड को इंजॉय करें हाउस ट्रैफिक के साथ। ये वन वे है सिविल अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल तक बन गई है। सिविल अस्पताल क्या क्लासिक और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, यूट्यूब पर इसमें शामिल करूँगा। सिविल अस्पताल तक आपको दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ हम जान वाली जो गली है ना, उस गली से राइट मोड़ जाना है, वो सड़क आपको दिखानी है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे सरकारी वाल, ये रकबा जेल शरीफ का क्या कमाल का अटूट बैंक की जमीन है, इंजॉय करें। राइट साइड प्राइवेट मेरी कॉलोनी है, इस सड़क की खूबसूरती को देखिए आप, इंजॉय करें। और ऑलमोस्ट अब बहावलपुर की कोई चंद एक सड़कें हैं जो कि टू वे रहेगी है या सिंगल रहेगी है, अदरवाइज हर काबिल जिक्र सड़क टू वे वन वे हो चुकी है, और सिंगल सड़कें काबिल जिक्र वाइड हो चुकी हैं। जब हम चौक पे पहुंच गए, राइट साइड पे दो सड़कें हैं, एक गर्ल्स कॉलेज को जाएगी और जो दूसरी पुली के साथ साथ नहर के साथ जाएगी, इस सड़क को दिखाना है ये कभी